Thank you, Kajal, for nice introduction. So, before starting the session, I am very thankful to the committee members for giving me the opportunity to talk about this, you know, cyber awareness, cyber security, and ethical hacking. And I am thankful to my dear friend and founder of PAR Foundation, and having the belief in the philosophy Kashta Meo Jayate. So thank you very much, sir, and all the faculty members of the department, this college, and the students, thanks for coming here, you know, for attending this session. So I hope it is going to be beneficial for you people. थोड़ी सी इनफॉर्मल तरीके से ही रिक्वेस्ट है, या फॉर्मल तरीके से जैसे कि आप समझे, मैं अपने अगर यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो हम लोगों ने जो क्लासेस, जो लेक्चर जो डिलीवर करते हैं, तो उसमें साइलेंस बहुत ज्यादा साइलेंट रहती है, क्लास कोई आवाज नहीं आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास तो नहीं है, फिर भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन रखेंगे, ताकि कोई इंटरप्शन ना आए, जो मैं कन्वे करना चाहता हूं कन्वे कर पाऊं आपको। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइबर अवेयरनेस, सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। बिल्कुल आपके सेमिनार के थीम के हिसाब से ही हमने जो है इसका टाइटल रखा है, और उसी के हिसाब से टू द पॉइंट मुझे बात भी करनी। तो if you look at the outlines of this talk, so we are going to talk about cyber awareness, cyber security, ethical hacking, and programming languages for ethical hacking. If you are going to do the ethical hacking, so many times we have to think that which language is required, right? Please, आप लोग बैठ जाएं। Which language is required or which language is appropriate for ethical hacking? So we'll talk about diet things also, and then in the end we'll talk about some, you know, organizations which are running these courses, certification courses for ethical hacking. तो कोई मुझे बताएगा कि ये साइबर रण क्या मतलब क्या है? ये आपने जो टाइटल दिया है इस सेमिनार का, या इस फेस्ट का, डिजिटल फेस्ट का, इसका मतलब क्या है? आपके कोऑर्डिनेटर सर बता रहे थे कि साइबर प्लस अरण, तो अरण जो हिंदी में कुछ जंगल कहते हैं, है ना? अब साइबर को थोड़ा समझते हैं कि है क्या। तो जो भी चीजें जो है किसी कंप्यूटर से रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर हो सकता है, स्टोरेज उसका हो सकता है, कंप्यूटिंग पावर हो सकता है, जहां पे भी ये जो कंप्यूटर इंटरेक्ट करता है उसी को हम जो है साइबर क्राइम या साइबर के नाम से जानते हैं। अब अरण की बात करें तो इसको जो है जंगल कहते हैं, तो जंगल जो है एक ट्री का तो होगा नहीं, देयर विल बी सेवरल ट्रीज, है ना? फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो देयर विल बी सेवरल ट्रीज। अब वो ज्यादा होगा तो उसको जंगल का रूप दे देते हैं, जंगल का नाम दे देते हैं। तो अगर इसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझे, तो इसमें मे बी वी आर हैविंग, यू नो, सम सेट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप जानते हो तो आपको शायद आइडिया होगा कि व्हेन वी आर गोइंग टू लेट्स कनेक्ट दी सेवरल कंप्यूटर्स, वेदर दे आर कनेक्टेड विद वायरलेस मीडियम और वायर्ड मीडियम मतलब कनेक्टेड विद द केबल्स, एंड वायरलेस मीडियम दैट मींस कनेक्टेड विद द लेट्स इनटेंजिबल मीडियम, टेंजिबल मतलब जिसको छू सके और जिसको नहीं छू सके, है ना? सो दैट इज नेटवर्क। सो यू नो व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइबर क्राइम, सो यू कैन सी द पर्पज ऑफ दिस क्राइम इज टू लेट्स टू हार्म द पीपुल इन टर्म्स ऑफ मे बी मनी, इन टर्म्स ऑफ देयर लेट्स स्टीलिंग द इंफॉर्मेशन, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, it can be in any form. So when we are having the computer, so basically it works in three forms. एक तो ये कि as a target, जब आप cyber crime करते हैं तो किस पे करेंगे?
डिजिटल मीडिया के थ्रू ही करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही करेंगे, तो कंप्यूटर को ही तो अटैक करेंगे या कोई कंप्यूटिंग डिवाइस, रेदर देन सेइंग कंप्यूटर लेट्स वी कॉल इट कंप्यूटिंग डिवाइस। तो कंप्यूटिंग डिवाइस किसको बोले, जैसे आपका सेलफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, है ना, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ना कोई होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी बेस्ड ऑन विंडोज और मे बी बेस्ड ऑन लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एज ए टारगेट, मतलब आपके कंप्यूटर पे जो है अटैक किया जा रहा है। दूसरा एज ए वीपन, मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो अटैक करने वाला है वो भी तो कोई डिवाइस यूज कर रहा होगा, तो अगर वो कंप्यूटर यूज कर रहा है तो दैट टाइम यू नो दिस कंप्यूटर विल बी ट्रीटेड एज अ वीपन, है ना। और दूसरा एज ए एक्सेसरीज, सो मे बी वी आर हैविंग सम डेटा ओवर देयर, मे बी यू नो वी आर लेट्स कनेक्टिंग द कंप्यूटर टू लेट्स यूज फॉर सम अदर पर्पजेस। सो देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ यू नो लेट्स कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन साइबर क्राइम। इफ वी लुक एट द डेटा, वैसे सुबोध सर ने काफी अच्छा डेटा शेयर किया था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिस्ट्री, तो उन्होंने काफी अच्छा डेटा शेयर किया था, लेकिन हमको थोड़ा सा समझना है। सो लुक एट द डेटा हियर, 2015 से 2020 की बात हम कर रहे हैं, तो 15 में जो साइबर क्राइम था इट वॉज अराउंड 49,455, 2020 में देखें ये फिगर कितना है, 11,58,499 एंड देयर 2020 यू नो 11,58,208। तो इसका भी परसेंटेज निकालेंगे तो इट इज अप्रॉक्स 195%, मतलब 200%। अब समझना ये है कि ये साइबर क्राइम का शिकार कौन लोग हो रहे हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि आप ये सोचें कि अच्छा हम तो कुछ यूज ही नहीं करते हैं, तो आप बड़े आसानी से शिकार हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप तो शिकार होंगे ही। अब दूसरी कैटेगरी ये आती है कि जिनको लगता है हम कुछ जानते हैं, तो बड़े अमाउंट तो उन्हीं से चोरी हो रहा है, जो जानते हैं जिनके पास सब कुछ है उन्हीं के पास पैसा भी ज्यादा है, उन्हीं से बड़ा अमाउंट चोरी भी हो रहा है। तो अब समझना ये है कि जब आप नहीं जानते हैं तब तो चलो ठीक है, लेकिन जब आप जानते हैं तब भी चोरी के शिकार कैसे हो रहे हैं, इन थ्रेट्स के शिकार कैसे हो रहे हैं। तो इन चीजों को जो है हम कंक्लूड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अभी फिलहाल इसी फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अबाउट सम डेटा कि आप देखिए कि आपको साइबर क्राइम के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में समझना कितना जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में कि आपके पास आपने जो अर्न किया है वो उसको आप जो है अपने काम में यूज कर पाए, अपने काम में उसको यूज कर पाए। अगर आप नहीं समझते हैं तो कब इसका शिकार हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे इसकी बातें करेंगे। तो अवेयरनेस के टर्म्स में अगर हम बात करें, सेटल डाउन प्लीज, फेसबुक ना यूज करता हूं, मैं करता हूं जो यूज ना करता हूं, हमको ये भी हाथ उठते हुए नहीं देखना चाहते। व्हाट्सएप कोई ऐसा है जो नहीं यूज करता है, सारे यूज करते हैं। ट्विटर का नाम कितने लोगों ने सुना है, इस बात पूछ रहा हूं कि सुना है, ये नहीं पूछ रहा हूं कि नहीं सुना है, सुना। तो इसका मतलब यह, अच्छा इंस्टाग्राम गर्ल्स से खूब 100% हाथ उठना चाहिए, कोई नहीं। अब समझते हैं कि अगर आप जो है फेसबुक यूज करते हैं या ट्विटर यूज करते हैं, का प्लेसमेंट हो गया, एक का 48 लाख पैकेज था, कर्म एडवर्टाइज करने के लिए नहीं हूं फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये जो शांति से सुनने वाला मैटर है ना, ये बड़ा काम करता है। आप जो है ज्यादा हो सकता है मुझसे ना सीखें, लेकिन कुछ जरूर सीखेंगे। और अगर आप कुछ सवाल करेंगे तो हो सकता है कि मुझे भी अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिले।
तो मैं टीचर को तो टीचर मानता ही हूँ, लेकिन उसको स्टूडेंट भी मानता हूँ, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस जहाँ पे जो है हम सिखाते हैं और आपसे सीखते हैं। इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ पूछ रहे हैं तो इट्स लाइक कि ये तो स्टूडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ अच्छी बात मुझे बता सकते हैं। तो खैर, यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हम फेसबुक यूज कर रहे हैं तो या हम अपने सेलफोन के थ्रू, मतलब आई मीन नंबर के थ्रू उसको ज्वाइन करते हैं, ओटीपी वगैरह डाल के, या फिर ईमेल आईडी के थ्रू ज्वाइन करते हैं। तो मतलब अगर ईमेल से हम ज्वाइन करते हैं फेसबुक को, तो एटलीस्ट हमारा जीमेल अकाउंट या जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे है वो अकाउंट होगा, है ना, जीमेल अकाउंट होगा। तो अगर हम ईमेल यूज कर रहे हैं तो अवेयरनेस के लिए, मतलब किन किन बातों से हमें अवेयर होना चाहिए। सो लुक एट द वेरी फर्स्ट लाइन, अगर आपको ईमेल कोई आता है, सो डू चेक यूआरएल बिफोर क्लिकिंग एनी लिंक सेंड बाय ईमेल। तो जब कोई लिंक आपको आती है तो कई बार ये होता है कि उस लिंक से आप बिल्कुल अवेयर नहीं होते, है ना, जैसे आपके मेल पे कुछ रिसीव हुआ तो आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, या कुछ लगता है कि अच्छा इसका नाम सुना हुआ है, है ना। तो इनिशियल फेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपके पास कुछ नहीं है तो कोई चुराएगा भी तो क्या चुराएगा, लेकिन जब आपके पास काफी कुछ है तब इन चीजों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो अगर आपको लिंक सिमिलर सी दिख रही है, सो मे बी व्हाट यू कैन डू कि उस लिंक को कॉपी करके एक बार गूगल पे पेस्ट कर दीजिए। गूगल पे पेस्ट करेंगे तो कोई और सिमिलर लिंक होगी तो आपको दिख जाएगा, तो आप उसमें डिसाइड कर लीजिए कि ऑथेंटिक है कि नहीं है, अगर कर पा रहे हैं तो। लेकिन ज्यादातर टाइम ये करने की जरूरत नहीं होती, लोग नहीं करते, अगर कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है। डू रिपोर्ट ऑल सस्पिशियस एक्टिविटीज एंड साइबर इंसिडेंट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ ये लिंक है जो है हार्मफुल है, ऐसा पता चल जाए तो उसको रिपोर्ट जरूर करें। रिपोर्ट इसलिए करना जरूरी है कि चलो आपके साथ जो नुकसान हुआ वो कहीं किसी दूसरे के साथ ना होने पाए, है ना। ऑफिशियल अकाउंट शुड बी यूज्ड फॉर, ऑफिशियल अकाउंट से आप करने करते हैं चीजों को, जहां जहां पे भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उनको जो है आप अपने बैंकिंग स्टेटमेंट या कुछ और चीजों के लिए यूज ना करें, दोनों को लिंक ना करें। पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल शेयरिंग है वो आपको अलग रखें, और जो ऑफिशियल है उसको अलग रखें। इससे बड़ा फायदा है, आप धीरे धीरे इन बातों को समझ जाएंगे। ऑफिशियल ईमेल शुड नॉट बी फॉरवर्डेड टू पर्सनल ईमेल अकाउंट। आप सीसी टू पर्सनल अकाउंट कर दिए तो उससे होगा क्या कि जिसके पास वो आपका इंफॉर्मेशन, जो ईमेल जा रहा है, वो देखेगा कि अच्छा ये मैसेज कॉपी टू इस ईमेल आईडी पे भी हुआ। तो ये चीजें जो है कई बार आपके लिए हार्मफुल हो जाती है। डोंट डू उसमें जो है ये आप कुछ और लिस्टिंग है जिसको आप दे सकते हैं क्या नहीं करना है। तो खैर, क्या नहीं करना है इसके लिए हम डिटेल शेयर कर देंगे, लेकिन अभी हमको ये समझना है कि क्या करना है। जो करना है हम उसकी बात अभी कर रहे हैं, बाकी सारी लिस्ट है ये हम पीपीटी आपके पास अवेलेबल नहीं है, आई होप यू नो इट विल बी शेयर्ड अमंग यू पीपल। पासवर्ड वगैरह, जैसे आप फेसबुक का आप देखेंगे कि कई बार होता क्या है कि फेसबुक पे किसी का अकाउंट क्रिएट हुआ और जो है उसको बाद में पता चला कि अच्छा ये मेरा अकाउंट है जो कि मैं नहीं यूज करता, है ना। तो अब सोच रहे होंगे कि जैसे आपके नाम से कोई अकाउंट क्रिएट हुआ तो आप सोचेंगे कि चलो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क वहां पड़ जाता है जो आपके चाहने वाले हैं। जैसे उन्होंने फेसबुक पे मैसेज डाला कि हेलो हाय, आई इन सम ट्रबल एंड आई अर्जेंटली नीड दिस अमाउंट ऑफ मनी, है ना। तो आपको जो नहीं चाहते हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपको चाहते हैं, जो आपको मानते हैं, अगर उसको रियल समझ लिए तुरंत, तो इमीडिएटली हो सकता है वो पैसा ट्रांसफर कर, तो ये लॉस हो जाता है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, है ना, किसी और का अकाउंट कोई और क्रिएट कर ले। तो ऐसी चीजों को हमें ध्यान रखने के लिए क्या करना होगा कि पासवर्ड वगैरह जो है बहुत ढंग के रखें, आपके अकाउंट को कोई हैक न कर पाए। अच्छा, वो तो आइडेंटिटी थेफ्ट, दैट इज अनदर वे, लेकिन कभी कभी आपका अकाउंट भी तो हैक हो जाता है। अब मान लीजिए आपका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ तो उसमें अलग तरीके की फोटो अपलोड की जा सकती है, या उसी आपके जो है अकाउंट से किसी और से चैट किया जा सकता है जो कि हो सकता है एक्सेप्टेबल ना हो, या उसी को बेस बना के किसी और से जो है पैसे मांगे जा सकते हैं।
है ना, आपके परिवार में भी थ्रेट क्रिएट किया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ ऐसा करें कि आपके फोन पे जब आपके फैमिली वाले ट्राई कर रहे हैं तो फोन लगे नहीं, उसको कंसिस्टेंटली जो है कुछ लोगों को लगा के इंगेज रखा जाए तो फोन नहीं लगेगा और फेसबुक से डायरेक्ट मैसेज भेजा जाए, तो ऐसे पे जो है एक फियर क्रिएट हो जाएगा। तो इन सारी गाइडलाइंस का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी बैंक वाले मैसेज भेजते रहते हैं कि 6 मंथ पे जो है पासवर्ड आप चेंज करते रहिए, तो सही करते हैं, है ना। पासवर्ड रखने का भी तरीका जो है आपको समझना होगा। जैसे आप कई बार क्या करते हैं कि कुछ नाम डाले, इसके बाद बार बार आखिरी में जो है @ अपनी डेट ऑफ बर्थ चिपका दिए, तो जो अटैक करने वाले हैं वो भी ऐसे सोचते हैं। जब जो चीज जो है आपको आसान लग रही है तो अटैक करने वाला भी उन चीजों को इजिली जो है ट्रेस कर सकता है। तो जब पासवर्ड सेट करें तो जो गाइडलाइंस है, NIC ने जो है एक साइबर अवेयरनेस करके जो इंफॉर्मेशन शेयर की है, हाउ टू सेट पासवर्ड, हाउ टू चेक यू नो लेट्स सेट द ईमेल आईडीज एंड ऑल, उसको फॉलो करिए आप जो है। तो पासवर्ड सेट करते समय अपर केस, लोअर केस, स्पेशल करेक्टर, नंबर्स, ये सारी चीजें जो रखने की एडवाइस दी जाती है इसको करें। अच्छा, कई बार होता क्या है कि हम अपना पासवर्ड खुद ही भूल जाते हैं, संभव है, क्योंकि ये भी एडवाइस में है कि इफ यू आर हैविंग डिफरेंट अकाउंट्स तो सभी अकाउंट का एक ही पासवर्ड न रखें। अगर एक सभी अकाउंट का एक ही पासवर्ड रख रहे हैं तो एक गया तो सब गया, एक गया तो सब गया, लेकिन अगर सबका अलग अलग है तो ये भी चांसेस है कि भूल जाए। तो उसको जो है आप अलग तरीके से याद करके रख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। अब समझना ये है कि जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, पासवर्ड जो है अगर इस तरीके से सेट कर रहे हैं तो हमको उसको मंथली अपडेट भी करना है, और जो अलाइन 6 मंथ पे जैसी गाइडलाइन से अपडेट करना है। लेकिन अगर भूल गए, रिकवर करने की बात आई तो कुछ फ्रेजेस जो है इंटर कराते हैं, है ना, कुछ फ्रेजेस, कुछ कीवर्ड्स इंटर कराते हैं। तो कीवर्ड्स भी बहुत यूजुअल टाइप के ना रखें। जैसे आपने जो है आप पासवर्ड ढूंढ गए, आपने रिकवर करना शुरू किया तो उसने पूछ लिया कि अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम डालिए, तो ये बगल वाले को पता था किसका बेस्ट फ्रेंड है, ये उसने नाम डाल के आपका पासवर्ड चेंज कर दिया। तो जो फ्रेजेस रख रहे हैं वो भी बड़ा सिस्टमेटिक रखिए। मोबाइल के लिए भी आप जानते ही हैं, कभी भी यूज कर रहे हैं तो ऐसे ही ओपन छोड़ के ना जाए। सोच रहे होंगे सर इतना डराने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल सही बात है, डराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अवेयर रहने की जरूरत है, अवेयर रहने की जरूरत है। आइडेंटिटी थेफ्ट के जो शिकार होते हैं वो बहुत दूर के लोग नहीं होते हैं, अब बहुत दूर के लोग करते भी नहीं है, जो आपसे क्लोजली रिलेटेड होते हैं वही लोग करते हैं। विश्वास नहीं करेंगे, मेरा खुद बनाया गया, मुझे बताने से पहले पहले जो है हमारे एक मित्र ने उनको 5,000 ट्रांसफर कर दिया। हाँ, ऐसा हुआ था, फेसबुक पे ही किसी ने करा। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यू कैन सी यू नो डू कीप मोबाइल डिवाइसेस IP फोन CTC फिजिकली सिक्योर्ड, ऐसा भी नहीं है कैसे छोड़ के चले गए कोई भी आगे लेके भाग गया। अब उस समय जो जब लेके भागा तो आपका फोन लॉक भी नहीं था, तो सोचिए क्या क्या हो सकता है। सो दीज आर द फ्यू यू नो लिस्टेड पॉइंट्स। If you will be aware, then I hope these points will be information secure to save your money when you know. क्योंकि आजकल जो है मोबाइल पे हर किसी के जो है या तो गूगल पे होगा, फोन पे होगा, या फिर कोई ना कोई ऐप होता है। क्लोनिंग का भी कॉन्सेप्ट वगैरह आप लोग शायद सुने होंगे, ऐप का क्लोन बना लिया, सिम का क्लोन बना लिया। सिम का क्लोन बना तो बहुत डेंजरस है, जानते हैं कि सिम का क्लोन बना ले, आपके फोन पे कुछ मैसेज ही नहीं आएगा, सारा मैसेज वही ट्रांसफर होने लगे, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, जो ऐप वगैरह है इमीडिएटली जिस अकाउंट से कनेक्टेड है उसे सारे ट्रांजेक्शन ब्लॉक करा दीजिए। ये संभव है, ये संभव है, मतलब मैंने किया था, ऐसा हुआ है मुझे। मैं स्टोरी को शेयर करना चाहूंगा। गैस सिलेंडर का जो हमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया और की एजेंसी साइट, उन्होंने कहा कि सर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ और हमारे अमाउंट डिडक्ट हो गए। इसके बाद हमने कंप्लेन किया तो हमको पता चला कि जो है
कई फोन आए और वो बोले कि हम इसको ठीक कराते हैं। अब उस समय जब हमारे पास इमीडिएट कॉल आने लगे तो मुझे लगा कि अच्छा ये जो है हमने कंप्लेन किया है इसीलिए कॉल आ रहे हैं। अब उस कंप्लेन को कोई जो है जो हैकर्स था या जो ये चोरी करने वाले लोग हैं किसी ने देखा तो उसने सोचा कि अच्छा इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है। अब मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक पढ़ा लिखा हूँ, तो अब पढ़े लिखे लोग देखे कैसे शिकार होते हैं उसको समझना है। तो जब उसका फोन आया तो वो फोन जो है ना, जब ऐसे लोगों का फोन आएगा तो आपको फोन रखने नहीं देंगे। अब हमारा ब्रेन जो है कैसे काम करता है, यूनिप्रोसेसर सिस्टम, यूनिप्रोसेसर जानते हैं? यूनिप्रोसेसर नाम है सुना है? अरे जिस कंप्यूटर में एक ही डिवाइस हो, एक ही प्रोसेसर हो, एक ही कंप्यूटेशन होता है एक बार में। अच्छा आप जो है मल्टीपल काम एक साथ तो नहीं कर सकते ना, एक ही काम तो करेंगे। तो जब आप बात कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं तो उस समय सोचना मुश्किल है। और हैकर से यही करते हैं, आप जब जो भी शिकार हुआ हो उसको सुने आप तो कंसिस्टेंटली बोलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे हाँ सर यस सर हाँ सर यस सर, और जो बोलेगा आपसे कराता रहेगा। तो उसमें हुआ क्या कि उसने कहा कि अच्छा सर आप कोई ऐप यूज करते हैं, उस ऐप में आपका पैसा ट्रांसफर कर दे वापस। तो हमने कहा हाँ हाँ हम यूज करते हैं। इसके बाद कहा कि अच्छा उसमें एक मैसेज भेज रहा हूँ, उस मैसेज को मुझे भेज दीजिए, जो है कुछ नहीं होगा हो जाएगा। तो हम अब देखिए होता क्या है कि जब फोन आपके हाथ में है, ऐप आपके फोन में है, पासवर्ड आप जानते हैं, तो आप सोचेंगे कि अच्छा ये कैसे संभव है, कोई चुरा कैसे लेगा, लेकिन वो चुरा कैसे लेता है। इसी बीच में ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर होती है जिसके बारे में आप पूरी तरह से अवेयर नहीं होते, जैसे जो मैसेज एक्सचेंज हो रहा है क्या आप जानते हैं कि मैसेज किस लिए एक्सचेंज हो रहा है, या जो उसमें इनक्रिप्टेड चीजें उसको आपने पढ़ के समझा क्या। चलो आप पढ़ के समझ सकते हैं, हो सकता है लिखा हो कि डू नॉट शेयर विद एनीबॉडी, लेकिन जो बात करने वाला जो फ्रीक्वेंसी होती है जिस समय आप बात कर रहे हो उस समय आप सोच नहीं पाते, इमीडिएटली कर जाते हैं। तो पता चला कि आपके ऐप का ही क्लोन किसी और मोबाइल को किसी और कंप्यूटिंग डिवाइस में बन गया। फिर आजकल हैकर एक और काम करते हैं, कहते हैं अच्छा क्यूएस क्यूएस इंस्टॉल करो, क्यूएस 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 स्टार्ट पर क्विक सपोर्ट। तो क्विक सपोर्ट में आप देखते होंगे कि एनी डेस्क टीम व्यूअर या कई ऐप जिनके थ्रू अपने आपके डिवाइस का कंट्रोल ले लेते हैं। और जब डिवाइस का कंट्रोल ले लिया तो फिर आपका क्या क्या करेंगे आप खुद ही समझ सकते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को अवेयर, अगेन वी हैव टू बी अवेयर विद दीज थिंग्स। अननेसेसरी अपने डिवाइस की जियो लोकेशन, आई मीन लोकेशन ऑन करके मत रखिए। जैसे होता क्या है कि आप जो है लोकेशन ऑन करके कोई कुछ काम किए या लेट्स रूट कहीं का देखे, अब फिर लोकेशन ऑफ करना ही भूल गए, तो ऐसा ना करें। जब यूज में नहीं है तो उसको ऑफ करें। ब्लूटूथ या वाईफाई नेटवर्क किसी भी तरीके की जो चीजें यूज कर रहे हैं उसको बिल्कुल यूज करने के बाद बंद कर दें। वाईफाई नेटवर्क भी हैक होता है, जैसे अगर आपका फोन एक बार हैक हुआ उससे कोई गलत ट्रांजेक्शन हो गया, आपका अमाउंट कुछ जो है चोरी कर लिया गया, तो आप उस फोन से नेट चला के किसी दूसरे डिवाइस पे भी ट्रांजेक्शन ना करें, बहुत डेंजरस है। अगर करते हैं तो फिर नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। सोशल नेटवर्किंग की हम बात कर ही रहे हैं, फेसबुक वगैरह की बात किया कि कैसे आइडेंटिटी थेफ्ट और ये सारी चीजें, तो ये लिस्ट जो है इट विल बी अवेलेबल टू यू पीपल, यू कैन रीड। दूसरा, अब थोड़ा हम साइबर सिक्योरिटी की तरफ चलते हैं, अभी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। तो जब सिक्योरिटी की तरफ मूव करें तो जैसे कोई सिक्योरिटी बहुत पहले से चल रही है, जैसे आप किसी के काम में जाके धीरे से बोलते हैं तो किस लिए बोलते हैं कि अगल बगल वाला ना जान पाए, तो भी दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा पुराने टाइम में अगर जाए स्टेनोग्राफी वगैरह को देखें या पिन पंचर को देखें, जैसे ये पेज है इसमें कुछ करेक्टर्स पे हमने पिन चुभो दिया और सामने वाले को बता दिया कि जब तुम्हारे पास जाएगा तो ऐसे रोशनी की तरफ करके देखना तो तुमको पता चल जाएगा कि किस किस करेक्टर्स पे पिन बोल। अब उन करेक्टर्स को एक साथ बनाओगे तो देयर विल बी अ मैसेज। इनविजिबल इंक जो है, तो एक इंक लगती है जिसको जो है उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि जिस करेक्टर्स पे लगा देंगे तो ऐसे देखेंगे तो नॉर्मल दिखेगा, जब लाइट में देखेंगे तो आपको कुछ मैसेज कुछ करेक्टर्स दिखने लगेगा। तो खैर ये बहुत पुरानी बातें हो गई, बहुत शुरू में यूज होता है ना।
तो अगर इस डायग्राम को देखें, प्लेन टेक्स्ट और लिंक पे देखें साइफर टेक्स्ट, तो प्लेन टेक्स्ट मतलब जो हमारा एक्चुअल मैसेज है, जो मैसेज हम देना चाहते हैं, और साइफर टेक्स्ट जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ द मैसेज। तो जब किसी चैनल पे किसी मीडियम से तो आप डेटा भेजते हैं, तो अगर जो है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा तो कोई उसको पढ़ेगा भी सोचेगा बेकार है, काम का नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हम जो है एक मैसेज भेज रहे हैं, सपोज दैट मैसेज इज ईपीएच, एक हमने जो है कम्युनिकेशन इनसिक्योर कम्युनिकेशन चैनल पे एक मैसेज भेजा ईपीएच, और ऊपर वाली लिंक देखिए सिक्योर सिक मेथड है, वो फोन या कुछ और भी हो सकता है, उससे हमने बता दिया कि जो ये करेक्टर्स ईपीएच गए हैं इनमें माइनस वन कर दो एज पर अल्फाबेट के अलावा। तो जब ई के एक पहले आएंगे तो क्या हो जाएगा डी, और पी के एक पहले आएंगे तो क्या होगा ओ, और एच के एक पहले आएंगे तो क्या होगा जी डॉ, है ना। तो ये कोई भी मैसेज हो सकता है, EPH हमने भेजा, बट एक्चुअली हमने क्या भेजा है DOG डॉ, है ना। तो ये इंक्रिप्शन की कई टेक्निक्स हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्री इंक्रिप्शन। तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, अभी आज की थीम के हिसाब से ही बात करेंगे। सो दिस इज द डायग्राम इज मीन फॉर यू नो दिस इनसिक्योर कम्युनिकेशन चैनल विल हैव द साइफर टेक्स्ट इनक्रिप्टेड मैसेज, और ऊपर वाले के थ्रू हम की बताएंगे कि ये मैसेज आप तब समझ पाएंगे जब इस की को अप्लाई करेंगे। अगर बीटेक स्टूडेंट इसमें कोई हो तो मुझे लगता है वो सारी बात समझ रहा होगा, लेकिन अगर BCA वगैरह वाले नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, हम जो है इस तरीके से बताने का प्रयास करेंगे कि आप इसके मतलब को तो एटलीस्ट समझ ही जाएंगे। लुक एट द अ फ्यू की पॉइंट्स, व्हाई साइबर सिक्योरिटी इज हैविंग इट्स इंपॉर्टेंस, योर आइडेंटिटी कैन बी स्टोलन, मॉनेटरी थ्रेट, IM क्लाइंट्स कोई बताएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे होता क्या है कि कई बार आपके पास ईमेल टाइप का फोन पे एक मैसेज आया और तुरंत फोन आ जाता है कि अच्छा ये आपके पास आप ये जीत गए। जैसे हमारी वाइफ के पास एक बार फोन आया, व्हाट्सएप कॉल आई कि मैडम आप जो है ये 12 लाख की कोई कार जीत गई है, कुछ नाम बताया, और क्या करेंगे आप, कार लेंगे कि पैसा लेंगे, मतलब आपको क्या चाहिए। तो हमारी वाइफ ने कहा कि सर ये आप ही रख लीजिए, आपके पास कितनी कार है, एक और रख लीजिए, है ना। तो खैर इन बातों को समझना होगा कि कोई आपको फ्री में कुछ नहीं देने वाला, तो इस लालच में और गलती में ना पड़े कि फ्लिपकार्ट का ऑफर चल रहा है और नेटफ्लिक्स का ऑफर चल रहा है, ये कर लो 15 लोगों को भेजो तो कार घर पे फ्री आ जाएगा। आते हैं मैसेज ना व्हाट्सएप पे, अब बहुत लोग प्रयास भी करते हैं और उसमें कहीं कहीं लिखा भी रहता है किसने जीता है, कभी उससे बात किया क्या जिसने जीता है, या आपकी जानकारी में ऐसा कोई होता है जिसको 12 लाख की कार मिली हो फ्री में, कोई होता नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल भी लालच में ना पड़े, सावधान रहे। एक्सेसिव यूजर राइट्स, तो मान लीजिए अगर आप कोई वेबसाइट रन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपके उस पर यूजर्स होंगे, तो यूजर्स को भी एक लिमिटेड राइट्स ही दिए जाते हैं। इतना राइट्स मत दीजिए कि आपके हर प्लेटफॉर्म को जो है स्क्रोल कर ले जाए, एक्सप्लोर कर ले जाए, अदरवाइज उसमें भी फंसने का खतरा। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर्स एंड डेटा इन द सेम वे दैट वी सिक्योर द डोर्स टू आवर हाउस। जैसे घर में जो है, घर से आप कहीं जाते हैं तो दरवाजा लॉक करते हैं, तो लॉक को भी ऐसे खींच के देखते हैं कि अच्छा बंद है कि नहीं बंद है, खुला तो नहीं छूट गया। कई बार जो है शक रह जाता है तो रास्ते से लौट के जाते हैं, खींच के देखते हैं कि ठीक है बंद हुआ है। तो सिर्फ वही ताला लगाने की जरूरत नहीं है, ये ताला लगाने की, लॉक लगाने की जरूरत जो है आपके डिवाइसेस पे भी है, आपके कंप्यूटर्स पे भी है। वी मस्ट बिहेव इन द वेज दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट रिस्क एंड थ्रेट्स दैट कम विद द टेक्नोलॉजी।
तो अगर जो है ये टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ आसान बना रही है, तो अगर हम प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो उतनी ही खतरनाक भी। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इवन द बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम ओनली फंक्शंस व्हेन इट इज एक्टिवेटेड। तो ये डायग्राम देख के कुछ बता सकते हैं क्या? डायग्राम देख के कुछ बताएंगे? हाँ बताइए। बस सिक्योरिटी गार्ड है वो बाहर से ये कर रहा है, बट जो मेन है जो सारे कैमरा को हैंडल कर रहा है वो सो रहा है। हाँ ज्यादातर चोरी के चांस कम। तो देखिए कुछ लोगों ने समझ गए, वेरी नाइस। तो कुछ लोगों ने जो है जब मछली की आंख पे निशाना लगाना था तो कुछ लोगों को आंख दिख रही थी, कुछ लोगों को मछली दिख रही थी। तो हमको जो है जो पर्सपेक्टिव है उसी को देखना है ना, फिगर तो है ही है। तो आप देखिए कि दिस द लेफ्ट साइड यू नो इज एक्टिव, सो वी कैन से दैट सिक्योरिटी सिस्टम इज एक्टिवेटेड। लेकिन दूसरे साइड गार्ड रख कर भी क्या है, जब सोई आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है। तो जो आपके पास सिक्योरिटी सिस्टम है, जो ऑप्शन है, उसका यूज करें, अदरवाइज फिर उनको जानते रहे रखते रहे कोई मतलब नहीं। इफ वी आर थिंकिंग अबाउट अ सिक्योर सिस्टम देन वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, है ना। सो रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स ओनली। जो भी आपकी डिवाइस है हर किसी को यूज करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, ऑथराइज्ड लोगों को ही होनी चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि कॉन्फिडेंशियल। अच्छा जो सबको नहीं बताते हैं उसको भी तो कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं ना, तो वही है कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? जैसे आपने मैसेज भेजा कि इंडिया जो है पाकिस्तान के ऊपर कल अटैक करने वाला, कल क्या है 25 या लेट्स 26 को अटैक करने वाला या 25 जो भी आप डेट मान रहे हैं, किसी ने बीच में उसको हैक किया, वो डेट बदल दी, कल अटैक करने वाला है पाकिस्तान को पता चला परसों अटैक करने वाला, कल ने बुक कर दिया। तो जो इंटीग्रिटी है, जो मैसेज आपका जा रहा है वो कहीं बीच में मॉडरेट ना हो। जैसे किसी ने आपको भेजा आई लाइक यू, किसी ने बीच में लाइक को रिप्लेस करके हेट कर दिया। अब अगर गर्लफ्रेंड को भेजा है तो पिटाई भी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रिटी। थोड़ा थोड़ा इंजॉय करना है, ज्यादा नहीं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रिटी। अवेलेबिलिटी की बात करें तो जब भी हम इसको चाहें यूज कर पाए, है ना। तो अगर कोई सिस्टम इफ वी आर एबल टू दिस इंश्योर दीज थिंग्स कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी देन वी कैन बिलीव दैट सिस्टम इज सिक्योर। फिशिंग यू नो इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक ड्यूरिंग विच मलेशियस एक्टर सेंस मैसेजेस प्रिटेंडिंग टू बी ट्रस्टेड पर्सन आइडेंटिटी। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि इन जनरल फिशिंग अटैक्स जो है ईमेल्स के थ्रू किए जाते हैं। ईमेल फिशिंग, स्पीयर फिशिंग, वेलिंग, स्मिशिंग एंड विशिंग एंड एंगलर फिशिंग। तो ईमेल फिशिंग में जो है आपके पास जनरल ईमेल आते हैं कि अच्छा ये कर दो तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो ये हो जाएगा, कई लोगों को भेज दिया गया। तो कुछ लोग कर देते हैं, उसका प्राइस भी पे करते हैं। जब स्पीयर फिशिंग की बात आती है तो स्पीयर फिशिंग में ये थोड़ा सा जो है उसका क्या बोलते हैं कि लेट्स स्पेशलाइज्ड वर्जन, है ना। जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन सुना है दोनों टर्म की नहीं? जनरलाइजेशन मतलब जेनरिक हो जाना, वाइड हो जाना, बहुत ज्यादा जो है चीजों को कवर करना। स्पेशलाइज मतलब किसी थीम के पास आना। तो स्पीयर फिशिंग इज अ काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड वन। तो इसमें क्या होता है कि यूजर जो जो अटैकर है उसको आपके घर के बारे में पता है कि अच्छा इनका एड्रेस ये है, नाम पता है, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ पता हो, ईमेल आईडी पता हो। तो ऐसे में अटैक थोड़ा और जो है स्ट्रांग हो जाता है।
जब आपके बारे में कोई बताता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा हमको कैसे जानते हैं, अब आप नहीं जानते हैं तो कैसे जानता है, है ना। कोई आपसे मिले, अरे सर आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, तो अच्छा तो फील होगा, ह्यूमन नेचर है। बट समझना है कि अगर आप नहीं जानते हैं तो उनके जानने पे भी आपको उतना बिलीव नहीं करना। बट स्ट्रेंज बिहेवियर भी नहीं होना चाहिए कि जो आपको जानता है उसको खराब हो जाए। सो दैट कम्स अंडर स्पीयर फिशिंग। वेलिंग की बात करें तो ये और स्पेशलाइज्ड है, बड़े लोगों के अटैक होता है, जैसे सीईओ सेफ्टी क्राउन या फिर जो है कोई मिनिस्टर हो गया। तो इस तरीके के अटैक तब होते हैं जब उनके बारे में लगभग सारी जानकारी है। अब थोड़ा सा उनका सिक्योरिटी सिस्टम जो है राइट साइड वाला अगर हो जाए, जो फिगर दिखाया था जिसमें गार्ड सो रहा था, तो फिर सब गया। इस मिसिंग एंड विशिंग अच्छा लग रहा सुन के ना, इस मिसिंग एंड विशिंग। सो इस मिसिंग इज व्हेन वी रिसीव अ टेक्स्ट मैसेज विच इज क्वाइट सिमिलर टू द ईमेल। जैसे ईमेल पे आपके मैसेज आता है उसी तरीके से आपके फोन पे मैसेज आया। अब जैसे ही मैसेज आया तुरंत फोन दिया जाएगा उस मैसेज के लिए, गाइड करने के लिए आपको कि आप ऐसे ऐसे करिए तो आपको ये हो जाएगा। अभी आपको जो है 12 लाख की कार मिलने वाली है, मैसेज अभी गया है मोबाइल पे, ये हमारी कंपनी की तरफ से गया है, है ना। तो कंपनी की तरफ से, सपोज दैट कंपनी का नाम है amazon.com फॉर एग्जाम्पल, लेकिन एम में जो कॉम है अगर कोई और पोर्टल लग लिख दे, जैसे सी ओ इसके बाद आर ये वाला और एम लिख दे, तो आर और एम लिखेंगे तो अगर दूर से देखे तो एम की तरह दिखेगा। आर ये वाला और इसके बाद एल, दोनों को अगर पास कर दें, स्पेसिंग कम करने का भी ऑप्शन होता है, तो इट विल लुक्स लाइक amazon.com। आप सोचेंगे अच्छा ओरिजिनल वाला ही है, पैसे तो मिल जाएंगे, क्लिक करते ही मिलने की बजाय आप दे बैठे। एंगुलर फिशिंग, एंगुलर फिशिंग को भी समझना है कि कई बार होता क्या, जैसे एक बार यूजीसी नेट की साइट के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि बच्चों की कंप्लेन आई थी कि सर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ और पेमेंट भी हो गया, और ये फिर दूसरी वेबसाइट पे चेक किए तो कहा चाहिए वाली लोकल थी, ये ओरिजिनल है ना। तो उसमें तो कई बार होता है कि पोर्टल ये प्लेटफॉर्म वगैरह या नाम चेंज करके होता है कि नाम सिमिलर सा जो है कुछ आर जोड़ दिया, पी जोड़ दिया, तो आप शुरू में देखते हैं बाकी इग्नोर कर जाते हैं। बट यार एंगुलर फिशिंग, इसमें हम क्लोन तैयार करते हैं। क्लोन समझते हैं, चिट्टी याद है कौन सी मूवी में था, रोबोट, सेम वैसे दिखता है, बिल्कुल पहचानिंग पाउच ये वाला है। तो क्लोन जो वेबसाइट होगी आपको जो है लगेगा कि अच्छा यही रियल, लेकिन जब उस पर क्लिक करेंगे, आपने जब उस पर उसमें आपको थैला दिखा, आपने सोचा कि अच्छा इसमें तो सोने हैं, और जब हाथ डाला तो साफ हो गया, अरे बेटे वो तो सही नहीं है, तो आपको लूटने का प्लान था। तो इन चीजों से बहुत ज्यादा अवेयर हमेशा पूरा सब कुछ जो है वो करके करना तो मुश्किल है, लेकिन जिस पेज पे आपको समझ में आए वहीं पे आप जो है अपने आप को संभाल लें, तो हो सकता है थोड़ा नुकसान हो, ज्यादा नुकसान हो। कुछ केसेस की बात करते हैं। COVID-19 के टाइम पे आपने देखा होगा, है ना, ऑक्सीमीटर टू मेजर द पल्स। तो अब ये क्या थे, ये किसी नेटवर्क डिवाइसेस से कनेक्टेड थे, कुछ सही वाले भी थे, गड़बड़ वालों की बात कर रहा हूं। तो उसमें आपके ये फिंगर स्कैनिंग जो है जा रही थी। अब आप जब आधार कार्ड बनवा रहे थे तो पूरी चार उंगलियां रख के बनवाए हैं, तो पल्स अगर किसी से भी मेजर करेंगे तो एक तो पूछ ही जाएगा उससे, अब बनवाते भी हैं वो तो कहते हैं चार उंगलियां रखिए, अब इसमें किसी में लगा के मेजर कर लीजिए, आपका स्कैनिंग पहुंच जाएगा। तो ये एक तरीके से फेक जो है यूज किया गया इसका, ऑक्सीमीटर का OTP वाला आप सभी जानते हैं। जब एक तरफ लोग मर रहे हो, इलाज न मिल रहा हो, तो ये खबर मिले कि अच्छा आपको आपके फोन पे OTP गया है और आपको इसकी वैक्सीन की डोज मिल जाएगी, तो इजीली लोग बिलीव कर लेंगे कि चलो भैया अच्छा डोज मिल जाए, हो सकता है लाइफ हमारी बच जाए। लेकिन इस OTP के पीछे भी खेल था, सारी जगह नहीं OTP से ही हमने भी वैक्सीन ली थी, लेकिन ये समझना होगा
कि इस तरीके के मैसेजेज आ रहे हैं तो आप पढ़िए, थोड़ा देखिए कि उसमें लिखा क्या। कुछ ना कुछ गलती जरूर करते हैं ये जो अटैक करने वाले हैं, कुछ ना कुछ गलती करते हैं। अब उसमें ये है कि जो नहीं पढ़ा है चलो उसने दे दिया तो कोई बात नहीं, जो पढ़ा लिखा है वो क्या गलती करता है, उसके कंसंट्रेशन की जो है गलती होती है, वो सही से ध्यान नहीं देता। अब सही से ध्यान नहीं देता क्यों, क्योंकि हमने बताया कि यूनिक प्रोसेसर सिस्टम होता है, जैसे ही आपके पास ओटीपी आया उसी समय फोन आ गया, आप सोच ही नहीं पाए, पढ़ ही नहीं पाए। उसने पूछा कि बस सर तुरंत भेजिए और अगले दिन आपका जो है वैक्सीन लग जाएगा, आपने कहा सर नोट करिए, जैसे ही दिया तो थोड़ी देर बाद मैसेज आया खाली। ये वाला मैसेज तो सभी को रिसीव होता, नीचे वाला ज्यादा जरूरी है, ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स इज गिविंग सम फ्री पास फॉर देयर प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन आइसोलेट सबको होना था, अब इस तरीके का मैसेज आया कि नेटफ्लिक्स जो है फ्री पास दे रहा है, सब जो है एंजॉय करिए, तो आप बड़े आसानी से बिलीव करेंगे। लेकिन मैंने बताया कि कुछ फ्री में नहीं मिलने वाला है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका नाम कितने लोगों ने सुना है, पेगासस। चलो तीन चार लोगों ने सुना। सबसे पहले ये बताते हैं कि पेगासस का अगर आपको एक लाइसेंस लेना हो तो इसके लाइसेंस की फी है अप्रॉक्स 70 लाख। राहुल गांधी एंड कांग्रेस फैमिली इस मैटर को लेकर काफी दिनों तक चर्चा हुई। उनको शक था कि उनके ऊपर ये सॉफ्टवेयर अप्लाई किया गया, बाकी बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, पॉलिटिकल मैटर नहीं बताना है इसको। तो समझना यहां पे ये है कि पेगासस कर क्या सकता है। सो लुक एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट, पेगासस मेथड ऑफ अटैक इज कॉल्ड जीरो क्लिक अटैक विच डू नॉट रिक्वायर एनी एक्शन बाय द यूजर। द स्पाईवेयर कैन हैक अ डिवाइस सिंपली बाय गिविंग अ मिस्ड व्हाट्सएप कॉल। तो लगेगा बड़ा खतरनाक है, लेकिन जब 70 लाख उसका सब्सक्रिप्शन की है तो हमारे आपके ऊपर थोड़ी लगाएंगे, जहां से जो है 70 लाख से ज्यादा वैल्यू वाली इंफॉर्मेशन मिले या उससे ज्यादा पैसा मिले, या हो सकता है कि चलो कम कम करके भी उतना पूरा कर लो, उतना हमारे पास नहीं मिलने वाला। हो सकता है आप लोगों के पास भी कुछ हो जिनके पास इससे ज्यादा मिल सके। इट कैन बी इंस्टॉल्ड मैनुअली। अच्छा लुक एट हियर सेकंड पॉइंट, इट विल अल्टर टॉप ऑफ सो दैट द यूजर हैज नो नॉलेज ऑफ व्हाट हैपेंड। तो जैसे अब ये पेगासस आपके फोन में इंस्टॉल हो गया तो पहली बात तो ये कि व्हाट्सएप से मिस कॉल आई तो कौन टेंशन ले रहा है, कहीं मिस कॉल मारो कौन सा हमारा पैसा कट रहा है। लेकिन हमें क्या पता कि जो है ये इस मिस कॉल के थ्रू ये पेगासस सॉफ्टवेयर हमारे फोन में इंस्टॉल हो गया। सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर ये इंस्टॉल हो गया तो आपके फोन से फोन भी कर लेगा और उसको वो कॉल हिस्ट्री को डिलीट भी कर देगा। तो जब देखा कि अच्छा फोन में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो कमांड एंड कंट्रोल कहीं पे होगा पेगासस का, वहां से जो है जो आपका दुश्मन है आपका जो दोस्त है लगा दिया फोन उसके पास, और इसके बाद जो है फोन डिस्कनेक्ट हुआ, कॉल हिस्ट्री से डिलीट हुई। तो आपको कैसे पता चलेगा, तभी पता चलेगा जब वो फोन करके खुद ही बताएगा तुम्हारा फोन आया, लाइक फोन देख के तो आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। लुक इट हियर पॉइंट नंबर 4, इफ इट फेल्स टू कनेक्ट विद इट्स कमांड एंड कंट्रोल सर्वर जहां से ये कंट्रोल किया जा रहा है, अगर ये जो है ड्यूरेशन मोर देन 60 डेज हो जाए तो ये अपने आप जो है डिस्ट्रक्ट हो जाएगा और आपके फोन से हट जाएगा। तो आप ये ना सोचें कि अच्छा चलो यूजी ना करो ये हट जाएगा, ये हटेगा कहां से, जो सर्वर है अगर वहां से कोई उसको सिग्नल न मिले तब हटेगा। If it detects that it was installed on a wrong device or SIM card, it will self-destruct. तो हो सकता है कि कई बार एजेंसी जैसा करती है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो उन्होंने कहीं पे इंस्टॉल कराया और लगा कि अच्छा तो राहुल गांधी के नहीं किसी और के फोन पे हो गया, जब किसी और के फोन पे हो गया तो उसको जो है अब ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा, कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ेगा कि आप स्कैन करें और पता कर लें कि अच्छा उसके फोन पे हुआ था क्या। Amnesty International noted that
Despite issuing security updates, Android and iOS devices, Android and iOS devices were breached. तो अभी तक हम सुनते आए हैं कि आईफोन पे कोई सिक्योरिटी अटैक नहीं होता। पेगासस सॉफ्टवेयर डाल के तो देखो, आईफोन की भी बैंड बजा देगा। तो ये इतना खतरनाक है ना? तो अभी हमने पेगासस को समझा, इसको बनाया किसने है? एनएसओ ग्रुप, इजराइल की एक कंपनी है एनएसओ ग्रुप। तो एनएसओ जो है ये उस टीम के मेंबर्स का नाम है, एन फॉर न्यू एंड एस एंड और कुछ दूसरे अलग जो है एक्सपर्ट्स हैं जिनके नाम है, उन्हीं के नाम पे ये। तो इजरायली कंपनी एक लाइसेंस का अप्रॉक्सिमेटली है कॉस्ट करती है, जासूसी के लिए यूज किए जाते हैं ये। तो जासूसी मतलब हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू में जासूसी करना नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, लेकिन जब माइंड डिस्ट्रक्टिव हो तो आप किसी के ऊपर लगा सकते हैं। इसका नाम सुना है, कितने लोगों ने सुना है? टेक फॉगर सुना है क्या? अच्छा, ट्विटर पे कुछ चीजें ट्रेंड करती हैं ये जानते हैं? अच्छा, सोशल मीडिया पे कुछ ट्रेंड करने लगे फेसबुक पे। तो चलो, कई बार हमको फीलिंग आती है कि चाहे सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे इसलिए ट्रेंड कर रहा है कि बहुत ढेर सारे लोग जो है ऐसे मैसेजेस डाल रहे हैं। लेकिन जब आपको ये पता चले कि ये ट्रेंड हमारे आपके मैसेज डालने से नहीं, ये तो कोई और करा रहा है, डिवाइसेस करा रहे हैं, तो सरप्राइजिंग लगेगा कि नहीं? तो टेक फॉग ऐप यही करता है। टेक फॉग ऐप क्या करता है कि ये जो है फेक यूजर्स क्रिएट कर देगा। अगर आप द वायर की खबर पढ़े, मैं उसको क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं पर जो ट्राइड इंफॉर्मेशन, उसमें जब जिस टाइम पे कोरोना पीक पे था, लोग मर रहे थे काफी ज्यादा, तो उस समय ट्विटर पे कर्मवीर योगी ट्रेंड कर रहा। मैं यूपी से हूं, हमारे प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उस समय ट्विटर पे कर्मवीर योगी ट्रेंड कर रहा था, तो लोगों को लगा कि अच्छा योगी जी इसमें काफी मेहनत कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए और इसलिए ट्रेंड करा रहे हैं लोग उनके फेवर में। लेकिन जब उसको कई लोगों ने एक्सप्लोर किया तो बताया कि नहीं, वो ट्रेंड नहीं कर रहा था, बल्कि वो इसलिए ट्रेंड कर रहा था बिकॉज ऑफ दिस ऐप। वो ऐप जो है हजारों अकाउंट क्रिएट होगा, ये मैसेज जो है ट्विटर पे फॉरवर्ड करने लगे, जब ज्यादा मैसेज होंगे तो ट्रेंड कर ही जाएगा। तो अब इसकी क्या सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो खबर पढ़ी थी मैंने कुछ इस तरीके से पढ़ी। तो कई बार जो है जब इस ऐप का आप यूज करें तो फेसबुक ट्विटर पे आप जो है कुछ चीजें जो हो सकता है कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो या सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो ट्रेंड कराया जा सकता है। ये शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, अनजान नंबर से कॉल आई कुछ देर बाद व्हाट्सएप है। इसके पीछे क्या रीजन है अभी मुझे भी नहीं पता। व्हाट्सएप हैक होना, व्हाट्सएप हैक होने का क्या मतलब है कि जैसे हमारा फोन है और मैसेज जो है जो हम कर रहे थे, अब हमारे ही नंबर को यूज करके कोई और व्हाट्सएप कर रहा है, मैसेज कर रहा है। तो इसमें हुआ क्या था कि एक दिल्ली की स्कूल की एक टीचर थी जिनके पास फोन आया और थोड़ी देर बाद जो है उनसे कुछ कंफर्मेशन कराया था इनके, इसके बाद उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। जब व्हाट्सएप हैक हुआ तो जिस ग्रुप से वो जुड़ी थी उस ग्रुप में एक मैसेज गया कि आई एम इन ट्रबल, मुझे हेल्प की जरूरत है, क्या मुझे इतने पैसे मिलेंगे? तो उनकी एक मित्र ने 50,000 इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया। मित्र अच्छे रहेंगे, पढ़े दिल वाले, 50,000 इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया। तो आप देखिए, इस हैकिंग से आपको तो नुकसान नहीं हुआ लेकिन आपके मित्रों को नुकसान हो गया। आपको भी नुकसान हो सकता है, सपोज दैट वाई बात की अलग है, कहीं और है, गर्लफ्रेंड आपकी कहीं और है, अमीर है, अगर तो वहां पे भी ये नुकसान हो सकता है। तो ये हैक का भी केस है जिसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास इसलिए मैं चीजों को थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ लुक एट हियर, एथिकल हैकिंग, ये मुझे लगता है आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो देयर आर यू नो टू काइंड्स ऑफ हैकिंग,
इथिकल है कि मतलब इथिक्स को फॉलो करते हुए, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, जो जो है कई ऑर्गेनाइजेशंस कराते हैं। और दूसरा है मलेशियस है कि अगर जैसे मूवी वगैरह में देखा होगा कि अच्छा चलो इसका ये करना है करके देखते हैं क्या। कई बार जो है आप हीरो और उसके साथ भी कुछ टीम देखते हैं तो वो ऐसे ही इंजॉय करने के लिए देखते हैं, फिर उसमें पता चला कुछ मीनिंगफुल नहीं है। और एक तो होता है इन इंटेंटेड, तो अगर हैकर्स को भी कैटेगराइज करें, हैकर्स को भी कैटेगराइज करें, तो हम तीन कैटेगरी में कर इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। तो व्हाइट वाला वही हो गया जो इथिकल हैकिंग करे था कोई बोल रहा है, और ब्लैक वाला हो गया जो मलेशियस हैकिंग में इन्वॉल्व है, एंड ग्रे इज इन बिटवीन, दोनों में हो सकता है। लेकिन इन जनरल ग्रे हैक हैकर्स इन इंटेंडेड नहीं होते, जस्ट फॉर फन। मुझे लगता है कि इसमें फन की क्या बात है, ऐसे करने नहीं चाहिए। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सीओ ईसी काउंसिल, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुडे आर इन कॉन्स्टेंट नीड ऑफ इथिकल हैकर्स टू कम्बैट द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ आईटी सिक्योरिटी। A lot of government agencies, professionals and corporations now understand that if you want to protect a system, you cannot do it by just locking your doors. मतलब आप ये कह दें कि हम तो फोन यूज नहीं कर रहे हैं, आप ये ऐप यूज नहीं कर रहे हैं और फील सिक्योर, सो ये जो है नहीं, ऐसा है नहीं। तो आपको जो है सिक्योर करना ही पड़ेगा और सिक्योरिटी की चीजों को समझना भी पड़ेगा। आप कहे कि नहीं नहीं मैं तो कुछ करता नहीं हूं, नहीं समझू, तो उससे चल नहीं पाएगा, आप नुकसान उठा सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इथिकल हैकिंग, तो इथिकल हैकिंग कराई क्यों जाती है? जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो आप खुद ही हैकर्स को इनवाइट करते हैं कि इसको हैक करके इसमें लूप होल्स बताओ। तो इथिकल हैकर बिल्कुल जो है मलेशियस हैकर्स की तरह सोचते हैं कि इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, फिर बताते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में ये कमी है और फिर जो डेवलपर है जो है उसको ठीक करते हैं। सो दिस इज द बेसिक पर्पस बिहाइंड इथिकल हैकिंग। इन इन जो है प्लेटफॉर्म पे ये किया जा सकता है, वेब एप्लीकेशन हैकिंग, साइबर सोशल इंजीनियरिंग, सो दीज आर द प्लेटफॉर्म जहां पे ये किया जा सकता है। थोड़ा समझते हैं कि हैकिंग की अगर हम बात करें तो ये दीज आर द फाइव पेजेस। सॉरी थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मुझे 2 बजे से एक और सेशन अटेंड करना है। सो प्लानिंग एंड रिकॉन्सेंस इंफॉर्मेशन गैदरिंग पेज, स्कैनिंग पेज, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनेंस एंड कवरिंग ट्रिक्स एंड कवरिंग ट्रैक्स एंड क्लियरिंग ट्रैक्स। तो पहले फेज में तो इंफॉर्मेशन स्टोर करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना हैकिंग करने के लिए। स्कैनिंग फेज कहता है कि अच्छा कहां कहां से इस पे अटैक किया जा सकता है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो जो है फास्टेस्ट मोड में आपको मिले वही आप अटैक करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये हो जाए। गेनिंग एक्सेस, इसके बाद आप कंट्रोल ले लेते हैं। मेंटेनिंग एक्सेस, अब आपको जो काम करना है वहां पहुंच जाते हैं, जिस पर्पज के लिए आप जो है हैक कर रहे हैं वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद कवर ट्रैक्स, अब जो है जिस रास्ते से गए हैं उस पर झाड़ू पोछा लगना शुरू कि कोई पहचान न पाए कि यहां से आए। तो जितने रास्ते हैं ट्रैक करने के उसको बंद कर दे कि कोई आपको ट्रैक न कर पाए कि अच्छा इस पे हैकिंग हुई। सो दीज आर द फाइव पेजेस। अब इसको समझना ये है कि हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज करनी चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए ये जानना होगा कि जैसे हमें किसी से बात करनी होती है तो चाइनीज से अगर बात करना हो, आई फॉरगेट अबाउट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, नो वन इज नोइंग इंग्लिश, तो चाइनीज से क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। संकेतिक भाषा चलेगी नहीं, रिस्ट्रिक्टेड है, आपको जो है लिख के या बात करके ही समझाना, इशारों से नहीं कि चलो खाने ऐसे कर दिया तो समझ जाएगा खाना खाना है, ये नहीं चलेगा। तो अब देखो उसमें होगा क्या कि जब ये लैंग्वेज की बात करें तो हमको समझना होगा कि हमारा कम्युनिकेशन तब होगा जब सामने वाला इस बात को समझ पाए या हम उसकी बात को समझ पाए।
तो इसका मतलब जब हैकिंग की तरफ जाए तो बड़ा सिंपल सा पलटा है कि जो सॉफ्टवेयर है वो किस लैंग्वेज में बना, वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो आप समझना होगा कि फिर कौन सी लैंग्वेज सीखे। तो देखिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर ज्यादा बन रहे हैं। मतलब ये मत पूछिए मुझसे कि आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, ये आपको एक्सप्लोर करना कि सॉफ्टवेयर किस में बन रहा है। स्टिल यू नो पीएचपी पाइथन एंड एसक्यूएल आर वेरी प्रोमिनेंट। एसक्यूएल की बात क्यों करें, जैसे रैंसमवेयर जब अटैक होता है तो रैंसम सुना है ना, फिरौती मांग करना वो करना जो है, तो अटैक भी कुछ उसी तरीके का कि जैसे आप जो है अपने कंप्यूटर पे सपोज दैट ये सीओ साहब का एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रिप ग्राउंड के बहुत बढ़िया एग्जांपल, इनके जो है सर्वर पे अटैक हो गया। अब इनका जो पासवर्ड था एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू पासवर्ड को बदल दिया। जैसे आप जब पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड जो है जाके कहीं पे स्टोर रहता है जिससे मैच करता है, इसके बाद वो स्क्रीन खुलती है तो जहां पे वो स्टोर है वहीं पे दूसरा पासवर्ड डाल दिया। सपोज दैट पासवर्ड इज हेलो आई एम रवि, उसने बदल दिया हेलो आई एम राम। अब ये डाल रहे हेलो आई एम रवि, खुल ही नहीं रहा है। तो ये है कि कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस की क्वेरी है, जो डेटाबेस पढ़े वो थोड़ा बहुत जानते होंगे। दीज आर द फ्यू यू नो टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बैश को देखें, BASH, अगर आप यूनिक्स अगर आप बैश को देखें तो अगर आप जो है यूनिक्स और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करने की कोशिश करें दूसरी कमांड के थ्रू तो संभव नहीं है। तो आपको उसी हिसाब से जाना होगा, मैंने वो एक शब्द में समझा दिया कि जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी मेरिट के हिसाब से आपको देखना होगा। सो इफ यू आर गोइंग टू लेट्स डू द एथिकल हैकिंग ऑन यूनिक्स और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम देन वी हैव टू लुक फॉरवर्ड दिस बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आर C++, जावा, पाइथन एंड एसक्यूएल। यू कैन रीड द कंटेंट। TIOBE की अगर रैंकिंग देखें, यू कैन सी इट इज मेंशन दैट TIOBE रैंकिंग, ये एक कंपनी है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रैंकिंग प्रोवाइड करती है। तो आप देखेंगे कि सोचेंगे कि अच्छा जावा पाइथन जो है बड़े टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी या सब होंगी, तो कुछ दिनों पहले सी सबसे टॉप पे चल रही, फिर जो है सी नीचे आई पाइथन, तो इन्हीं दोनों के रेस इस समय लगी हुई है। इस समय जो है करंट में पाइथन टॉप पे चल रही है। पाइथन को टॉप पे होने का कई रीजन है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज एंड देयर आर लॉट ऑफ पैकेजेस, बहुत कम लिखो ज्यादा आउट हो। दीज आर द फ्यू फ्लेक्स फोरम्स फ्रॉम वेयर वी कैन अटेंड द गेट द सर्टिफाइड कोर्सेस, सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग सर्टिफिकेट्स यू कैन गेट। तो अगर पहले वाले को देखें इसी काउंसिल, तो इंडिया में ये वेल रिकॉग्नाइज्ड है, बाहर वाले तो कम मानते हैं इसको। इन्हीं के सीईओ का स्टेटमेंट था कि घर को लॉक करके जो है सुरक्षित नहीं फील किया जा सकता। वो जय जो उसमें था अभी हमने कुछ देर पहले दिखाया, सिस्को को भी सभी जानते हैं, सो यू कैन गो फॉर द सिस्को सर्टिफिकेशन। एंड थर्ड वन इज OSCP एफएनसी सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। सो दीज आर द फ्यू लिंक्स, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इनमें जाके सर्टिफिकेशन कोर्सेस कर सकते हैं। लेकिन सर्टिफिकेशन कोर्सेस करने से पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए, जैसा कि फॉर फाउंडेशन जो है एक ऑब्जेक्टिव के साथ बढ़ रहा है और काफी चीजें उन्होंने दिखाया भी, तो आप मदद ले सकते हैं। Look at this message. Ride the train. Don't jump in front of it. Summary you can see. Cyber security will require a significant workforce with deep domain knowledge. Almost everything is hooked up to the internet in some sort of form. Recent events have widened the eyes of many security experts. जैसे अभी तो जो है WhatsApp कॉल के थ्रू जो WhatsApp हैक हुआ, ये तो मुझे खुद ही नहीं पता, तो देखना पड़ेगा कि इसमें ऐसा क्या हुआ, किस तरीके से यह हैक हुआ वो समझना पड़ेगा। सो दीज आर द लेट्स पॉइंट्स विच समराइज द टॉक।
Finally, we can say that absolute security is a myth, but still we have to plan. So you can see as per challenges posed by the cyber crime, we have to design new strategies and solutions for the people, process, policies, technologies. And last line is very important. International cooperation is necessary to combat cyber crime. अब जैसे मान लीजिए कि इंडिया में जिस तरीके से अटैक हो रहा है, आप अपने तरीके आप उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। पता चला यूएस वाली टीम आ गई, यूके वाली टीम, तो वहां पे भी कैसे अटैक चल रहा है ये भी समझना होगा। तो ये आखिरी लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस साइबर क्राइम। Thank you.